हाई डिनोमिनेशन वाले नोट बंद होने के चार दिन बाद भी बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हो सकी और अपने नोट बदलवाने और जमा कराने की फिराक में लोग घंटों खड़े रहे। बावजूद इसके प्रधानमंत्री द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के लिए लिए गए निर्णय की लोगों ने सराहना की। आइए इसमें देखते हैं हमारे संवाददाता के साथ अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 1000 और 500 के नोट बंद होने से लोगों में मानो खलबली मच गई और लोग अपने पुराने नोटों को बदलकर नए नोट को लेने के लिए बैंकों के सामने लंबी लंबी कतारों में सुबह 6 बजे से खड़े होने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण उनको नौकरी पे जाना भी दूभर हो गया है। देविंदर, आप कहाँ रहते हैं? 15 बजे। आपके यहाँ बैंक अकाउंट है? क्या अकाउंट है? तो आपके यहाँ पैसे निकालने आए थे? निकालने आए। तो कितने पैसे निकाले आपने? 7000। अच्छा, अकाउंट से निकालने पैसे? तो कितनी देर आप यहाँ लाइन में लगे रहे थे? आप मैं एक डेढ़ घंटे, मतलब सुबह में 1.5 घंटा लगे लाइन में। दोबारा अभी अंकल के पैसे लिए आई हूँ। आप सीनियर सिटीजन हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ क्या लाइन एक ही है, अलग अलग है? एक ही लाइन है। अच्छा, सीनियर सिटीजन है कोई भी? हाँ जी। महिला और उसके लिए कोई अलग? महिला के है। महिला के अलग कर दिया? अलग है। अच्छा, तो आपने पैसे जमा कराए हैं, निकाले हैं? मैंने निकाले भी हैं और जमा कराने भी आई हूँ। अच्छा, तो आपने कितने जमा कराए हैं? मैंने 10000 निकाले हैं और 23000 जमा कर। सर, काम एक्चुअली हम भी पूरा कॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खुद सुबह 8 बजे आ रहे हैं ताकि हम 10 बजे जैसे ब्रांच के टाइमिंग शुरू हो हम उनको पूरी सर्विस देते हैं। पर हमें कई बार इशू ये आ रहा है कि जैसे कोई आ रहा है पर वो दूसरे की आईडी प्रूफ लेकर आ रहा है या किसी अपने किसी रिश्तेदार के खाते में जमा कराने आ रहा है, तो जो कि अलाउड नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि सबको हम पूरी अच्छी तरह से सुविधा दें, पूरा कॉर्पोरेट करें, बट हमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सब अपने आईडी प्रूफ और अपने ही खाते में जमा कराना है। हमारे पास लोगों से यही अनुरोध है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उसके ऊपर पढ़ लें, उसके अकॉर्डिंग ही बैंक ब्रांच में पैसे जमा कराने और एक्सचेंज कराने आए। क्या नाम तुम्हारा? प्रमोद कुमार। आप बैंक में आए हो, क्या करने एक्सचेंज करने आए थे या जमा करने आए थे पैसे? हमने कैश निकाला है अपना। कितना कैश निकला? 20000। 20000 कैश निकाल लिया एक खाते में से? दो खातों में से निकाल, एक जॉइंट है एक पुराना। तो एक खाते में से 10000 रुपये निकाल लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश है। योगेश, लाइन में लगे हुए हो, किस लिए? क्या एक्सचेंज कराना है या जमा कराने के लिए आया हूँ भाई। एक्सचेंज कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। 2000 रुपए। अब 2000 रुपए के जो नोट लेके आए हो, आपको एक ही नोट मिलेगा, वो मार्केट में किस तरीके से चलाओगे आप, कैसे खुला करवाओगे? परेशानी आएगी इसमें? परेशानी तो बहुत आएगी। मोदी जी ने किया तो है कुछ, अब 500 के नोट। इससे कुछ फायदा होगा? फायदा तो होगा ही। सबका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार गुप्ता जी। कौन से बैंक से सर? विजया बैंक, बल्लभगढ़। लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं सर, तीसरा दिन है आज, क्या हालात, कुछ हालातों पर काबू हो पाया है? नहीं, अभी तक तो कुछ काबू नहीं हुआ है और अभी तक भीड़ उसी तरह से है जैसे पहले दिन थी और इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है और अभी आने वाले दिनों में भी नहीं लगता कि एकदम से कुछ हालात सुधरेंगे। मैनेजर साहब, आज बैंक में तीसरा चौथा दिन है आज और लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही, क्या कहना चाहोगे? भीड़ क्या, लोगों को पैसे की ज़रूरत है, भीड़ बहुत हो रही, पब्लिक सर्कुलेशन में मनी आ नहीं पा रही है, धीरे धीरे कम हो गया, सैटरडे छुट्टियां हैं इसलिए आज भीड़ ज़्यादा भी है। वैसे देखा जा रहा आपके कर्मचारी भी अब रात को 2:30-1:30 बजे तक काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये हालात कम नहीं हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? टाइम लगेगा क्योंकि एकदम से करेंसी बंद हुई है, सर्कुलेशन में मनी आने में टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 दिन लगेंगे और उसके बाद पोजिशन कुछ नाम पर आएंगे। आज तीसरा दिन है कि बैंकों में फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है, लंबी लंबी कतारें आज भी जारी हैं, लोगों की भीड़ सुबह 6 बजे से बैंकों के सामने लग जाती है। हालांकि आज ATM को खुलने की बात और कही थी कि आज दोपहर 2 बजे तक ATM खुल जाएंगे, पर आज 2 बजे तक देखे गए कोई भी ATM खुला नहीं है और लोग ATM के सामने भी लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और उन्हें बस यही इंतज़ार है कि ATM कब खुलेंगे। ऐसे में लोगों की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है और लोग इस मोदी जी के फैसले से खुश तो लग रहे हैं पर चेहरे पर कोई खास खुशी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 2000 का जो नोट चलाया गया है फिलहाल उससे भी मार्केट में खुलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमने बल्लभगढ़ की बैंकों का मुआयना किया, बल्लभगढ़ की बैंकों पर अगर जो पुलिस प्रशासन की तैनाती ना हो तो ऐसे में हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। अपने सहयोगी दिनेश कुमार के साथ मैं मुकेश ठाकुर, BBM News फरीदाबाद।